नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा के रिजल्ट का जिन लोगों को इंतजार है, अब सभी स्टूडेंट्स को ये बता दें कि जो रिजल्ट है उसको लेकर के अब बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। जल्द ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है वो जारी होने वाला है। बता दें कि बिहार बोर्ड के सूत्रों के अनुसार इस बार इंटर की परीक्षा के नतीजे होली से पहले यानी कि इसी महीने मार्च में, अभी से कुछ दिन लगा लीजिए, 19 या 20 मार्च तक आ सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 12 मार्च से टॉपर का वेरिफिकेशन शुरू करने की बात कही जा रही है। ऐसे में अब बिहार बोर्ड अब तेजी से रिजल्ट जारी करने की जो प्रक्रिया है उसमें जुट गया है, प्रोसेस में लग चुके हैं। बिहार बोर्ड के सूत्रों के अनुसार जो मिली जानकारी है, आपको बता दें कि 12 मार्च से जितने भी संभावित टॉपर्स होंगे, टॉपर्स को वेरिफिकेशन के लिए फोन जाएगा, इसके बाद फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। ऐसे में इस बार भी बिहार बोर्ड की पूरी कोशिश है कि रिकॉर्ड समय में इन नतीजों को जारी कर दिया जाए। जानकारी से अनुसार आपको बता दें कि टॉप 20 में आने वाले जितने भी परीक्षार्थी होंगे, उन परीक्षार्थियों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहां उनसे अलग अलग विषयों के बारे में अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट जो है वो पूछताछ करेंगे। नई नियमावली के अनुसार बिहार बोर्ड द्वारा टॉपर्स का पहला वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाता है। टॉपर्स की हैंडराइटिंग का भी मिलान बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया जाता है और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से बिहार बोर्ड की किरकिरी हुई रिजल्ट आने के बाद टॉपर्स को लेकर के, उसके बाद से बिहार बोर्ड आप देखिए कि काफी ज्यादा सख्त हो गया है। और अब टॉपर्स की लिस्ट जारी करने से पहले उनकी हैंडराइटिंग को मिलाया जाएगा, जो एक्सपर्ट्स होंगे उनके सब्जेक्ट्स को लेकर के उनसे सवाल पूछेंगे, इसके साथ ही उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। बिहार में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के टॉपर्स को वेरिफिकेशन के लिए बिहार बोर्ड के दफ्तर से फोन जाता है और ऐसे में जो जानकारी आई है उसके मुताबिक आपको बता दें कि फोन किए जाने की जो प्रक्रिया है कल यानी कि 12 मार्च से शुरू होगी। करने के लिए लगभग 25,000 शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया गया है। इस बार बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक चल रही थी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा 2 से शाम 5:45 तक आयोजित की गई थी। बोर्ड अब रिजल्ट की तैयारी कर रहा है। अभी तक रिजल्ट की तारीख जारी नहीं की गई है। कल से 12वीं जो प्रोसेस है वो शुरू होगा और अब ये कहा जा रहा है कि होली के पहले तक रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा और संभावित जो डेट है वो 19 और 20 मार्च बताई जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार बोर्ड कितनी जल्दी अपना जो रिजल्ट है वो जारी करता है और रिजल्ट की तारीख की घोषणा की जा सकती है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जारी किया जाएगा। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।